नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। 15 दिन तक रोज एक चम्मच मेथी दाना खाया, उसके बाद जो हुआ वो खुद आप ही देख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेथी के फायदे के बारे में। मेथी दाने को हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। इसके स्वास्थ्य लाभ और सौंदर्य लाभ इतने ज़्यादा हैं कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस मेथी दाने के फायदे और इसे कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसे निकलते हैं या पिंपल्स निकलते हैं या फिर जलने का घाव है, तो आप मेथी दाने को पीस लें। इसे पीसने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे भिगो कर रखें। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर की मदद से इसे पीस लीजिए। अब इस लेप को फोड़े फुंसी पर लगा सकते हैं, पिंपल्स पर लगा सकते हैं या फिर जले हुए जगह के घाव पर लगाएंगे तो बहुत जल्द आपकी स्किन हील हो जाएगी और बिल्कुल भी स्किन पर निशान नहीं रहेगा। अगर आपको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गैस होती है, एसिडिटी होती है या फिर खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो भी मेथी दाना आपके बहुत ही काम आ सकता है। आप मेथी के दानों का आधा चम्मच पाउडर छाछ में मिलाकर पिएं। खाना खाने के कुछ देर बाद आपको एक गिलास छाछ में करीब आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर मिलाकर पीना है। आपको पहले इस्तेमाल से ही फ़र्क दिखने लगेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है या आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, तो मेथी दाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप मेथी दाने को भिगो दें। 2 चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगो दें। जब ये अच्छी तरह भीग जाए तो इसे मिक्सर ग्राइंडर की मदद से पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में आप 3 से 4 चम्मच दही मिला लें। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आप अपने बालों में हफ्ते में 2 बार लगाएं। इससे आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा और आपके बालों की ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। शुगर के पेशेंट्स के लिए मेथी दाना रामबाण के समान है। रोजाना अगर आप 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर खाएंगे तो आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ब्लड ग्लूकोज को स्टेबलाइज करता है। जिनको जॉइंट पेन रहता है, जो गाउट के ऑर्थराइटिस के पेशेंट है, उनको मेथी के हरे पत्तों को लेकर गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए बॉयल करना है और फिर इन पत्तों को साबुत खा लेना है और पानी पी लेना है। साथ ही साथ अगर मेथी के साग का सीजन ना हो तो आप मेथी दाने को भिगो कर भी खा सकते हैं। इसके लिए रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें और सुबह वो पानी पी लें और मेथी दाना चबा कर खा लें। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम और ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मोटापा घटाने में भी मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप सचमुच अपने मोटापे से परेशान हैं और जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो मेथी दाने को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो मेथी दाना को रात में भिगो कर और सुबह इसका सेवन कर सकते हैं या फिर सब्जी बनाने में मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी, सूप, इन सभी में मेथी दाने का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ का दर्द अगर आपको रेगुलर रहता है तो भी आप मेथी दाने का सेवन करना शुरू कर दें। रेगुलरली अगर मेथी दाने का आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको 15-20 दिन में पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, कई बार उनको ब्रेस्ट में मिल्क प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मेथी दाने का लड्डू बनाकर या फिर मेथी दाने का पाउडर दूध में मिलाकर पियेंगे तो आपको इससे ब्रेस्ट में मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ने लगेंगी। अतिसार होने पर मेथी के बीज भून कर पीस कर उसमें सेंधा नमक मिलाकर पीने से या खाने से बहुत जल्दी फायदा होता है। इसके अलावा जिनके ब्रेस्ट पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, उनको रोज 1 चम्मच मेथी दाना खाने से बहुत लाभ मिलता है। आप मेथी दाना और सौंफ और मिश्री, इन तीनों चीज़ों को इक्वल मात्रा में लेकर पीस कर पाउडर बना लें। रोजाना दूध के साथ इस पाउडर को 1 चम्मच लेना है। 15 से 20 दिन तक इसके उपयोग करने से ही आपको अपने ब्रेस्ट के साइज़ में बहुत डिफरेंस पता चलेगा।
स्किन को मुलायम रखने में मेथी दाने के पाउडर का यूज़ किया जा सकता है। मेथी दाने के पाउडर का यूज़ करने के लिए आप एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर और एक चम्मच दूध की मलाई को लेकर और साथ में थोड़ा सा गुलाब जल लेकर मिक्स कर लें और ये एक मास्क की तरह तैयार हो जाएगा। इस मास्क को अपने फेस पर लगाइए, 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें और इसके बाद धो लीजिए। हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्किन का ग्लो तो बढ़ेगा ही, साथ ही झुर्रियाँ भी आपके शरीर से चली जाएंगी। जिन लेडीज़ को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो मेथी दाना और सौंफ इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और एक चम्मच दिन में अगर आप इसका चूर्ण लेते हैं तो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और ल्यूकोरिया और श्वेत आने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अगर आपके फेफड़ों में बलगम जमा है और आप बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं बट वो जा नहीं रही है, और अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, 2 से 3 काली मिर्च ले लें, उन्हें पीस लें, 1 चम्मच मेथी के बीज ले लें, इन्हें 2 ग्लास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर इस काढ़े को पी लीजिए। इससे फेफड़ों में जमा बलगम बाहर निकल आएगा और छाती की जकड़न से आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत ही असरदार नुस्खा है अस्थमा पेशेंट के लिए। और साथ ही साथ जिनकी खांसी बहुत ज़्यादा है या जिनके फेफड़ों में बलगम जमती है, कई लोग अपने पसीने की बदबू से परेशान रहते हैं, कई लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उससे बदबू भी आता है, या फिर कई लोगों की पॉटी में बदबू रहती है, तो ऐसे में मेथी का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे फ्री रेडिकल्स बाहर निकल जाएंगे जिससे पसीने और पॉटी की बदबू वो कम हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही खाना है, यानी भिगोकर भी खा सकते हैं या पाउडर बना के दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसे अंकुरित करके भी खा सकते हैं। अगर आप अंकुरित मेथी खाते हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत ही एनर्जी बनी रहेगी, इससे आपको बिल्कुल भी कमजोरी फील नहीं होगी और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। शुरू शुरू में मेथी दाने का टेस्ट आपको कड़वा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने का ये बहुत ही रामबाण इलाज है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।